अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त एक्शन सारिक नाजिन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं इस टाइम मौजूद हूं रमेश बाग बड़ी मस्जिद के पास गली नंबर 8 के अंदर, और काफ़ी दिनों के बाद एक क्यूट व्लॉग नया लेकर आ रहा हूं आप लोगों की खिदमत में। और मेरे साथ एक हमारे आसिम भाई हैं जो बाड़ा इंदौर के अंदर उनकी दुकान है अल नसीम फूड के नाम से। आज उन्हीं की न्यू ब्रांच खुली है रमेश बाग के अंदर, जो एड्रेस है यहाँ का पूरा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आइटम जो भाई हमारे लेकर आए हैं यहाँ पर, थोड़ी सी उन्होंने आइटम्स बढ़ाई हैं शाबा में रोज़ के साथ साथ। गुलाव टिक्का कबाब हो गए, चिकन टिक्का हो गया, मलाई टिक्का हो गया, सीख कबाब हो गए, एक दो आइटम्स और हैं, कोरमे के आइटम, ग्रेवी वाली आइटम्स भी हैं। तो उनकी आज हम आइटम देखेंगे, खा के बताएंगे आप लोगों को, जायका जो है चख के बताएंगे। काफ़ी दिनों के बाद एक फूड ब्लॉग जो है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि कवर हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला आसिम भाई से मुलाकात कराएंगे, उनसे थोड़े से इंट्रोडक्शन लेंगे। और आज का जो ब्लॉग है बड़ा ख़ास रहने वाला है, क्योंकि नई ब्रांच है, नए जायके हैं, और जब जब जायकों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है नॉनवेज। तो शुरू कर, तुमने ब्लॉग को ब्लॉग के अंत में से बने देंगे। तो मेरे साथ यहाँ के ओनर आसिम भाई, आसिम आपका फिर से स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई फिर से मुलाकात करने के लिए। जज़ाकअल्लाह खैर भाई। मैं ये कह रहा था, आपने जो नया रेस्टोरेंट खोला है यहाँ पर रमेश पार्क के अंदर, यहाँ पे क्या क्या आइटम से लेकर आए आप लोग? वही आइटम है भाई जो हमारी अक्सर आपने देखी होगी शादियों में लगती है कैटरिंग की जी। चिकन टिक्का है, मलाई टिक्का है, चिकन बर्रा है, चिकन तंगड़ी है, चिकन कबाब है, हमारा चिकन कौरमा है, ये हमारे लखनऊ के स्पेशल गुलावटी कबाब है, टुंडे कबाब जिसे कहते हैं, टुंडे कबाब जिसे कहते हैं, फेमस टुंडे कबाब गुलावटी। बाकी शोरमे की तो हमारी ऑलरेडी ब्रांच है यहाँ पर एक ब्रांच है आपकी रमेश पागल बाड़ा इंदौर की तरह, एक ब्रांच आपकी यहाँ पर भी शॉप है, ये अभी हमने रिसेंटली 2 महीने पहले खोली है जी। बाकी हमारे स्पेशल यहाँ पे एक और होता है चीज़ लेग, मैं अभी आपको ट्राई कराता हूँ इंशाल्लाह। भाई बिल्कुल ट्राई करेंगे, पूरी दिल्ली में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा आसिम भाई, मुझे टाइमिंग बताइए यहाँ की। टाइमिंग भाई यहाँ की है 6:30 से 12 बजे तक, और वर्किंग डेज में मतलब 7 डेज ओपन है। 7 डेज ओपन है। एक आइटम और जो है सीख रही है कस्टमर्स के लिए, तंगली बर्रा जो है स्पेशल है, और सबसे ज़्यादा जो है बिकने वाली आइटम आसिम भाई के यहाँ की यही है, ये है चीज़ लेग, और ये है अपना तंगली बर्रा। सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइटम है आसिम भाई के यहाँ की है, और लखनवी कबाब जो टुंडे कबाब या गुलावटी कबाब जिसे कहते हैं वो है। तो भाई ब्लॉग बनाते बनाते दुकान के जो है बड़े पुराने कस्टमर मिले हमें। भाई आपका नाम? भाई मेरा नाम अदनान रशीद है। अदनान भाई मुझे बताइए, आप डेली कस्टमर है हमारे आसिम भाई का? मैं डेली खाता हूँ, डाइट का किसी दिन चीट डे का मिल करता है मेरा जी, तो भी ये मेरे को चीट डे का अच्छा बना के देते हैं। अच्छा बना के देते हैं, मोस्टली डाइट का बहुत अच्छा बना के देते हैं ये, जिसमें क्या है इनके मसाले जो होते हैं वो बहुत टेस्टी हैं, जो नुकसान नहीं पहुँचाते और अंदर जलन पैदा नहीं करते। तो आप क्या बनवाते हो डाइट के ऊपर? भाई मैं डाइट से इनसे चिकन बर्रा बनाता हूँ, मोस्टली चिकन बर्रा ही रहता है मेरा इनके। ओके, तो जायका वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है? जायका वगैरह परफेक्ट है भाई, एकदम ओके। और पैसों की बात करूँ तो? पैसों की बात करो तो भाई ये सोच लो आप, जो जो पैसा आप 5 स्टार में देकर आ जाओगे ना उसमें भी तसली नहीं होगी, और वो आप यहाँ पे आपको 0 है बराबर पैसा। भाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया। भाई सीटिंग सेक्शन में बैठने के बाद हमें 2 कस्टमर्स और मिले जो काफ़ी टाइम से आसिम भाई के यहाँ आते हैं। भाई क्या नाम है आपका? राहुल मेहरा भाई। और आपका भाई? भाई कहाँ से हैं आप? और आप भाई? आप भी कृष्ण? तो कितने टाइम से आप आ रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए? भाई बहुत टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे, जब से खुला है जब से आप लोग आ रहे हैं, खाना बहुत बढ़िया होता है इनका, मज़ेदार, और पैसों के अंदर भी रीजनेबल। ठीक है भाई बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए भाई खाने का। तो भाई फूड ऑर्डर करने के बाद आसिम भाई के वैसे तो बहुत सारी आइटम्स थी, तो जनरली हम लोग जो टेस्ट करते हैं उनका माशाल्लाह खाना काफ़ी अच्छा ही होता है, लेकिन जो आज हम इनका कवर करने के लिए आए हैं वो चीज़ लेग और गुलावटी कबाब जो है कवर करने के लिए आए थे। बाकी उसके अलावा बहुत सारी आइटम्स हैं, आपने देखा ही है कि आसिम भाई ने कितनी सारी आइटम्स बताई हैं, तो एक एक करके आप लोगों को खा के बताता हूँ इसका जायका कैसा है, और कौन सी आइटम कितने रुपए की है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, मेन्यू में क्या क्या आइटम्स हैं वो सारी ऐड कर दूंगा। तो भाई ये दोनों आइटम जैसे आप लोग देख रहे हैं दोनों आइटम्स हैं, और आप थोड़ी सी क्लोज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये है चीज़ लेग, ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ डली हुई है उसको, आप रोटी से भी खा सकते हैं, बिना रोटी के भी खा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये पूरी रोस्ट है, और रोस्ट होने के बाद ये ऊपर से सारी जो है इन्होंने इसको डेकोरेट करके दिया है चीज़ से, हरी मिर्चों से, इसके साथ जो है ये प्याज कटी हुई है, कच्ची प्याज है, और एक किस्म की चटनी है जो बंद गोभी की है, और सारी हरी चटनी है, और इसके साथ ये जो आ गए ये गुलावटी कबाब है, गुलावटी कबाब के साथ साथ जो है यहाँ पे ये कच्ची प्याज आ गई, और एक इनके स्पेशल जो है सीक्रेट मसाले से बनी हुई चटनी, और एक ये पराठा,
पराठे मैं आपको दिखा दूँ कि ये सिंगल पराठा देखिए कितना पतला और कितना बड़ा है, जिसको खाने के अंदर बिल्कुल भी आप लोगों को हैवी नहीं लगेगा। ये देखिए पूरा लेग का पीस है ये, और बिल्कुल फाइनली वाले स्टाइल पर स्टार्ट करता हूँ बिना रोटी के। ये पूरा जो पीस है पूरा रोस्ट हुआ है, ऊपर से ग्रेवी जो है इसकी डेकोरेशन ऊपर से चीज़ डाली गई है। अल्टीमेट जाएगा इसका कोयले की भट्टी के ऊपर सीखने के बाद जो एक जायका आता है उसको गजब जायका आता है। उसके बाद तो कुछ भी आप आइटम सीखो एक अलग वाले उससे एक ऐसी लज्जत पैदा कर देता है जिसका कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं होता। पूरा पीस है ये, पूरे पीस के बाद रोस्ट होने के बाद जब ऊपर से इसके ऊपर ये डेकोरेट किया गया है इसको चीज़ से, इसका सारा जायका अपना अलग हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि वाकई की नए आइटम उन्होंने शुरुआत करी है, कि जैसे आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली में और पुराने दिल्ली में गली गली के अंदर आपको जो है ना कोई हुनर मिलेगा। वही तो माशाल्लाह लाइन इस लाइन में काफ़ी पुराने वाले आसिम भाई बहुत जायकेदार है माशाल्लाह। ये गोभी की चटनी ये भी चटनी को बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा तीखा तीखा थोड़ा सा मीठा टेस्ट है इसका। ये आइटम पास है, कभी भी आप कभी इस बार खाएँ आगे लाइक में चीज़ लेग के नाम से ये आइटम है। पैसे कितने के हैं कितने रुपए की है वो सारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी आइटम की तरफ। भाई देखने में तो ये शामी कबाब की तरह है बिल्कुल, लेकिन हर जगह का एक अपना नाम होता है क्योंकि लखनऊ से है तो इसे दिलावटी कबाब है। खाएंगे हम पराठे के साथ, सेमी डीप फ्राई हो गए हैं और ये ऊपर से रखी इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज। सुभान अल्लाह, आइटम एक ही है कि एक बार मुंह में रखने के बाद जो है बिल्कुल पूरी तरह से भुन रही है, मेल्ट हो रही है। घर में जो हम शामी कबाब बनाते हैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है ये, हर जगह का अपना एक जायका होता है, अपना एक नाम होता है। इस बार चटनी के साथ पुदीने की चटनी है ये, मुँह में रखते सबसे पहले जो टेस्ट आया पुदीने का आया है, पुदीना हर जगह और बहुत सारी आइटम होगी थोड़ी चीज ही है खासतौर पर गर्ल्स के लिए क्योंकि वो चटोली होती है वो चटपटा खाना उनको ज़्यादा पसंद होता है। मेरा खाने का जो रिव्यू था माशाल्लाह आइटम बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि हम फूड ब्लॉगिंग करते हैं तो खाने का हम लोग के रिव्यू दे रहे हैं। आइटम काफ़ी अच्छी है, कस्टमर से आप लोगों की बात कराइए जो कस्टमर है उससे आप लोगों की बात कराइए। तो कभी भी रमेश पार्क आप लोग आए, बहुत सारी आइटम्स हैं खाने के लिए, सबकी आइटम्स हैं, आप इंडियन रेस्टोरेंट जो है जरूर ट्राई करें। और वीडियो के अंदर बने रहिए, इतना आपका खाने को इन्जॉय करते हैं, इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में हम आपसे मुलाकात करते हैं। खाना माशाल्लाह काफ़ी लजीज था, आइटम्स आपके यहाँ तो माशाल्लाह काफ़ी सारी हैं, लेकिन आज जो हम कवर करने के लिए आया था गुलावटी कबाब वो चीज़ लेग अल्टीमेट फूड था माशाल्लाह। भाई मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा जो कोई भी रमेश पार्क की तरफ आए आसपास रहते हो या कज़न जितने भी लोग जो खाने को पसंद करते हैं इधर उधर भटकते रहते हैं, भाई एक बार भटकते हुए जो ना रमेश पार्क आ जाओ गली नंबर 8 बड़ी मस्जिद के पास, आसिम भाई जो यहीं खड़े मिलेंगे। बोर्ड देख लो आप, बिल्कुल बोर्ड की पहचान कर लो आपको, अल नसीर फूड के नाम से भाई का बोर्ड है और पूरा रेस्टोरेंट है और बड़ा गजब का खाना इनका मिलता है बहुत ही कम दामों के ऊपर। आज हमने चीज़ें ट्राई करी हैं, उनके रेट जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्लोज कर दूंगा। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।